देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं ईशान जावेद आपके साथ। त्योहारों के दौरान होने वाले गरबे पर तीसरी आंख का काम करेंगे पुलिस के लिए डीजे संचालक। पुलिस कप्तान ने पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक लेकर दिए उचित दिशा निर्देश। डांडिया गरबा के दौरान पुलिस के लिए तीसरी आंख का काम करेंगे डीजे संचालक। पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में डीजे संचालक की बैठक लेकर गरबा के दौरान होने वाली गतिविधियों के लिए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में डीजे संचालकों के साथ गरबा आयोजकों की बैठक पुलिस कप्तान रीवा ने ली। इस दौरान पुलिस सूचना देने वालों का नाम भी गुप्त रखेगी, इस बात की जानकारी पुलिस ने गरबा संचालकों को दी। गोपनीय रखी जाएगी कोई भी जानकारी अगर वह शेयर करते हैं। गरबा संचालकों ने भी पुलिस को आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से जाति धर्म या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी। इस तरीके की गतिविधियां करने वाले का हम तत्काल ही पुलिस तक सूचना पहुंचाएंगे। आयोजित बैठक के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया, हमारी पहली प्राथमिकता बालिका सुरक्षा है जिसके लिए यह बैठक आयोजित की गई है। हम चाहते हैं बालिकाओं को पूरी तरीके से उनको एक सुरक्षामय वातावरण मिले, उनके आसपास इस तरीके का वातावरण हो कि वो आराम से मनोरंजन कर सकें, गरबा कर सकें। जो बैठक अभी आपने देखा डीजे संचालकों की ली गई है, आगामी त्योहारों को देखते हुए, आगामी जो नवरात्रि के दौरान गरबा फेस्टिवल का आयोजन होता है उस दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है डीजे संचालकों का, और आज उनको मीटिंग के दौरान इस बात का चर्चा की गई कि महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपको उसका निर्वहन करना है। आप लोग जहाँ भी कार्यक्रम में डीजे संचालन कर रहे हैं वहाँ पर आप लोग पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हम तक आती है तो आपका नाम और नंबर हम गोपनीय रखेंगे, और जो भी असामाजिक तत्व उस गरबा स्थल में प्रवेश कर गए हैं उनको पुलिस पार्टी पहुँच के अपनी कार्रवाई करेगी। आपको लगता है तब तक पुलिस पार्टी को आने में समय लग रहा है तो आप फोटो वीडियो ले लें। इन सब बातों को सुन के गरबा संचालकों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की, और हम लोग उनको एक फॉर्म भी दे रहे हैं जिसमें डिटेल वो लोग भर के दे रहे हैं कि वो लोग भी सभी नियमों का पालन करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करेंगे, साथ ही साथ वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कोई भी गीत संगीत का संचालन भी नहीं करेंगे।